हेलो गाइस, मेरी दुनिया अमिता डेली ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज मेरा तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बीच में मतलब खांसी आ जाती है। तो गाइस, आज मेरे बेटे का तबीयत खराब है तो इसके लिए मैं भेल बना रही हूँ, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा है ढंग से। तो मैं आज इसके लिए भेल बना रही हूँ, तो मैंने ये सामान लिया है। मुर्रा लिया है, मक्के के चिप्स को तला है, और ये धनिया पत्ती, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, मिर्ची में तो लगता है, लेकिन सिर्फ टमाटर और धनिया में देने की कि तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं, चलो गाइस, मैं डाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नहीं डालेंगे बेटा, मिक्स हो जाएगा, इसमें मिलाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हम लोग ये जितना सामान है सबको हम लोग मिक्स करेंगे इस मुर्रे के साथ। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं मेरा बेटा भी आ गया है, अब इसके लिए भी मिर्चू खाना का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सिंपल सा भेल बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अलग से सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, मिक्सचर वगैरह, पर मेरे बच्चे को सिंपल खाना था इसलिए मैं सिंपल बना रही हूँ। चलिए, ये देखिए, हमने मुर्रे में सारा सामान मिला दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। इसको अच्छे से सावधानी से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा भेल का सामान मिक्स कर लिया है छोटे से बर्तन में, तो गिरने का डर है, वो गिर ही गया। क्योंकि ये मेरे दोनों बेटे के लिए बन रहा है, शिवाय के लिए भी और लक्षू के लिए भी, और साथ में इसके पापा भी थोड़ा सा खाएंगे। तो ये सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना है ऊपर से, थोड़ा तेज। हाँ, पहले नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरा बेटा बोला मुझे नींबू पसंद नहीं है तो नहीं डाल रही हूँ। नींबू पसंद मेरे बेटे को सर्दी है, इसलिए भेल में मैं एक चम्मच ये सरसों का तेल डाल रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट भी बढ़ जाए भेल का, और ये इसके लिए फायदा भी करे। चम्मच तेल लिया है, इसे इसमें हल्का हल्का मिक्स कर देती हूँ। मैं इसको अभी मिक्स करके आपको दिखाती हूँ क्या है, इसे बहुत सावधानी से मिक्स करना पड़ेगा, बर्तन छोटा पड़ गया है। मैंने भेल को मिक्स करके ये प्लेट में निकाल दिया है लच्छू के लिए, अब लच्छू से खा के बताएगा कैसा बना है, टेस्ट में कैसा है। इसे नींबू खाने का मन हो गया है, तो ऊपर से नींबू ऐड कर रहा है, पहले मना कर दिया था। चलिए बेटे, आप खा के बताइए, थोड़ा टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। कान्हा, मेरे कान्हा को सॉस वाला भेल चाहिए था, तो मैंने इसमें टमाटर सॉस और हल्का सा चिली सॉस करके भेल दिया है इसे। मैं से खाते नहीं बन रहा था तो वो हाथ से उठा के खा लिया। अब बताइए बेटा कैसा लगा टेस्ट? तुम अच्छा, एकदम चटपटा। अब देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, कमेंट में शेयर करें। बाय बाय।